अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद, और इस वक्त आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहां की मशहूर और मरूफ हस्ती, जिनका नाम है प्रोफेसर चौधरी अब्दुल गफूर गफारी अराई, गोल्ड मेडलिस्ट, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त इन्होंने टोटल जो है ना वो 26 किताबें जो है ना यहाँ पर लिखी हैं। ख़ास तौर पे शायरी के हवाले से बात करता जाऊं तो 9 किताबें शायरी में लिखी हैं, जिसमें 6 उर्दू की हैं, 1 पंजाबी की हैं और 2 इंग्लिश की हैं। और माशाल्लाह इन्होंने कुरान पाक का भी तर्जमा किया है जो कि उर्दू और इंग्लिश में है। और ख़ास तौर पे इस वक्त इनकी जो 15 किताबें हैं वो छप चुकी हैं। और इनसे मिलते हैं और साथ साथ एक बात और भी शेयर करता जाऊँ कि ये सदारती अवार्ड के लिए भी मुंतखब होने जा रहे हैं। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये इस वक्त कितनी बुक्स लिख चुके हैं, और ख़ास तौर पे जो है ना 15 किताबें तो इन्होंने बताया कि शाया हो चुकी हैं, और कितनी किताबें बाकी जो रह गई हैं इनको वो प्रिंट आउट करने के लिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इलामा इकबाल के बाद ये ख़ास तौर पर ये पहले शायर पाकिस्तानी जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर चौधरी अब्दुल गफूर गफारी साहब के साथ। सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये आपको गोल्ड मेडल कैसे मिला, गोल्ड मेडल कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये मुझे कई मिल चुके हैं। मैं मैट्रिक के बाद मुझे एज एम्बेसडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब टू KPK भेजा गया था एडवर्ट कॉलेज साहब ने, तो उस वक्त मेरे स्कूल गवर्नमेंट कमांडर स्कूल ने दिया था। फिर मुझे 2013 में बुक्स लिखने पर और बच्चों को CM यूथ प्रोग्राम के लिए इंग्लिश उर्दू और पंजाबी में डिबेटिंग के लिए तैयार करने का मुझे दिया गया। इस वक्त आप टोटल कितनी किताबें जो है ना वो लिख चुके हैं और कितनी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, और कितनी किताबों का आपने तर्जमा किया? जिस तरह आपने बताया कि कुरान पाक का भी मैंने तर्जमा किया उर्दू और इंग्लिश में, मैंने माशाल्लाह 26 किताबें लिखी हैं जिनमें 15 किताबें छप चुकी हैं। तो उनमें जो है ना जो छपने वाली किताबें हैं उनमें कुरान पाक इंग्लिश उर्दू तर्जमा है, उसके 8 एडिशन आ चुके हैं। सीरत पर किताब द लास्ट होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका उर्दू तर्जमा रसूल साद को आखिर के नाम से है। और माशाल्लाह ये कुरान पाक के तराजम मैंने बड़े बड़े स्कॉलर से बड़े बड़े इदारों से चेक करवा के छुपाए हैं जो कि बहुत पॉपुलर हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर। और इसी तरह डिबेटिंग की मेरी कई बुक्स हैं, शायरी की मेरी किताब वजूद साहब सलाम के नाम से छप चुकी है, और इसी तरह मिस्टर मुशरफ ने किताब लिखी थी अंदर लाइन ऑफ फायर, तो मैंने उसके जवाब में भी किताब लिखी है और छप चुकी है इन द लाइन ऑफ कवर्ड रेबल्स। मैंने उसमें साबित किया है कि वो बागी भी था उम्मत मुसलमा का और वो बुजुल भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अदालत ने भी ये कहा है। तो इसी तरह और भी मेरी कहानियों की किताब है जो इन था ईमान फौज कहानियाँ हैं, तो और अभी मैंने की थी लिखी है रसूल साद को ख़त्म नबूवत, रसूल साद को आखिर ख़ातम नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्द छप जाएगी। और इसमें मैंने 30 अहादीस पेश की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने अपने आप को आखिरी नबी पेश किया, और इसमें कोई शक नहीं आप आखिरी नबी हैं, और आपके आखिरी नबी होने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है वला के रसूलुल्लाह व खातम नबीन, और आपकी भी अहादीस हैं। तो इस तरह जो शख्स जो बंदा जो कौम आपको आखिरी नबी नहीं मानती या आप सल्लम की बात नहीं मानती वो काफ़र है और दार सलाम से खारिज है। प्रोफेसर साहब, इसका आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? जनाब अली, मैं स्टूडेंट लाइफ से लिख रहा था। जब मैं ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला से की, तो जब मैंने थर्ड ईयर में दाखिल हुआ ना तो मेरे जहन में शार आए मेहनत के बारे में, वो मुझे अभी तक याद हैं, वो मैं आपको सुना भी देता हूँ। वो नाइस फेलोज मेक है चॉइस ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ इंडस्ट्री का माना मेहनत है, नॉट दैट ऑफ आइडलनेस, एज आइडलनेस इज सिन एट द आइडल पीपल ग्रेन। फिर सबसे पहले मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था कि कुरान के बारे में मैंने नज़म लिखी थी, तो इस तरह फिर सिलसिला चल निकला माशाल्लाह। सुनने वाले कहते हैं कि आपकी शायरी माशाल्लाह यानी मेरी शायरी जो ना इकबाल से मिलती जुलती है, और ये अल्लाह का मैं ख़ास एहसान समझता हूँ। वो तो शायर मशरक़ थे इलामा इकबाल, बहुत बड़े शायर थे। हाँ मेरी वो उसके बाद आपका आपको लोग उससे मुआवजा कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट। मैंने जब भी शेर कहीं सुनाया है ना तो लोगों ने कहा कि ये तो इकबाल जैसी शायरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आने वाली किताबों में से कौन सी किताब आपकी प्रिंट आउट हो रही है और कौन ये सी एक तो मेरी किताब जो है ना ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द छाप रही है, और इसी तरह मेरी ये किताब जो है ना जिसमें मैं पूरा दीवान छुपा रहा हूँ, दीवान प्रोफेसर गफारी अराई, जिसमें 9 किताबें मैं इकट्ठी छुपा रहा हूँ, तो वो हमारे जो पब्लिशर हैं लाहौर वाले जाद कुरैशी पब्लिशर, वो छापेंगे माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे आपने इतनी बुक्स लिखी हैं, किसी फिरके के लोगों ने आप पे कोई एलिगेशन लगाया हो? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं, क्योंकि मैं जो है ऐसे बात करता हूँ कि सब पसंद करते हैं,
यानी मेरा तर्जमा कुरान चारों मकतबा फ़िक्र में पसंद किया जाता है। इसमें तमाम स्कॉलर्स के नोट हैं और उनकी राय शामिल है। 47 बड़े बड़े इदारों की, बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय शामिल है। जैसे लफ्ज़ उम्मी है ना, उसका जो तर्जमा हमारे काबरीन ने किया उस पर नहीं हमेशा, लेकिन वो तर्जमा जो पिंच करता है, जो कुफार में सवालात उठाते हैं, मसलन उन्होंने तर्जमा कर दिया अनपढ़, बेपढ़े, अनलिटरेटेड, तो जो मैंने तर्जमा किया है वो उसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। मसलन मैंने किया है अल्लाह ताला का तालीम याफ्ता, ना कि लोगों का तालीम याफ्ता। द टाट बाई अल्लाह जल्ला जलाल, नॉट बाई द पीपल। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है ना। जी जी, तो उम्मी का तर्जमा आपके लिए ना मैंने ये किया है। और ये भी सारा कुछ आप अपनी मदद के तहत कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कुछ सहूलियात फराम कर रही है? नहीं, मैं अपनी मदद आपके तहत ही कर रहा हूँ। एक दो बार कुछ दोस्तों ने डोनेशन पर दिया था, वो मैंने कुरान पर लगा दिए थे। एक कुरान, दोनों दफ़ा कुरान छुपा दिए थे, एक चौधरी एजाज रानी साहब लाहौर से और एक मियाँ सईद जंडीर, मियाँ गुलाम अहमद जंडीर, ये जंडीरपुर लाइब्रेरी वाले। तो क्या आप गवर्नमेंट पाकिस्तान से चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लिखें? क्यों नहीं, मैं चाह हमारे लोगों की जो है ना खिदमत करें। मसलन ये मेरी डिबेट्स पर जो बुक है सर, ये दोबारा छपी है, ये सारे टॉप से नाम याफ्ता हैं, तो ये हमारे बच्चों को बड़ी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई फाइनेंशियल गवर्नमेंट एड करे तो हम किताबें और ज़्यादा छपाएँ, खासकर तर्जमा कुरान सीरत पर। ये देखो मेरी किताबें हैं माशाल्लाह, ये लास्ट रसूल साद को आखिर ख़ातम नबी, ये ऐसी पसंद की जाती है कि लोग कहते हैं किताब छोड़ने को दिल नहीं चाहता। पहले ये इंग्लिश में आई थी, ये जो है किताब द लास्ट स्टोरी प्रॉफिट के नाम से, तो ये दोबारा छपाई हमारे गवर्नमेंट के जो सीईओज़ हैं ना, उन्होंने ये छपवाई है, तो एजाज कुरैशी साहब ने छापी है। तो ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंतहाई आसान लैंग्वेज में लिखता हूँ कि हमारा मिडिल का बच्चा भी समझता है। तो इसमें सारे टॉपिक्स हैं और किताब पढ़ने वाला कहता है कि ये सीरत पर जो किताब है ना, किताब छोड़ने को दिल नहीं चाहता जब तक किताब मुकम्मल ना हो। उसकी वजह यह है कि मैंने आपकी लाइफ के तमाम निकाल दिए हैं और ईमान फरोज वाक़ियात भी दिए हैं, जिसकी वजह से किताब की हर दिल दजीज को चार चांद लग गए हैं। और इसकी 57 किस्तें अखबारों में आ भी चुकी हैं, सूर्य साज को आखरूदू में किस्तें आ चुकी हैं। और माशाल्लाह प्रोफेसर साहब, आप चाहते हैं कि आपकी कोई बुक सिलेबस में जो है ना, खासतौर पे बच्चों के पढ़ाने के लिए इसमें सिलेबस में शामिल की जाए? हाँ, उसमें मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी जो है ना किताब द लास्ट होली प्रॉफिट और उसका उर्दू तर्जमा, और ये जो है डिबेट वाली। ये तो प्राइमरी लेवल से भी, प्राइमरी लेवल में भी दी जा सकती है, और इंग्लिश की किताब छठी लेवल से, छठी के लेवल से दे दी जाए। ये जो तर्जमा कुरान पाक है, ये माशाल्लाह जानते हैं, इंग्लिश में भी ये आसान तरीन तर्जमा है माशाल्लाह। तो इसमें मैं हमारी एक खातून है जो अमेरिका में रहती है, उसकी वाइफ करना चाहूँगा। उसने पुराने पाक की सूरह मैदा में अल्लाह सुबहान तआला आयत नंबर 44, 45 और 47 में फरमाता है कि वो हुक्मरान जो कानून इलाही के मुताबिक फैसला नहीं करते वो जालिम हैं, वो नाफरमान हैं और वो काफर भी हैं। और अल्लाह ताला ये क्यों फरमाता है, और ये इतनी अहम आयात है ना, सारी इलामी किताबों में आई, क्यों आई हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी ज़मीन पर जल्द सस्ता और फौरी इंसाफ चाहता है, और 15 दिनों में इंसाफ चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं चाहता कि 16 दिन हो। तो हम अपना कानून छोड़कर दूसरों के कानून के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उन्होंने फ्रांस या जर्मनी या इंग्लैंड ने उमर लाज नाफज किए। उमर लाज क्या है? इस्लामी कानून हज़रत उमर से मुतासर है, नाम उन्होंने उमर लाज रखा हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी किताबों में गवर्नमेंट मुआवनत करे तो माशाल्लाह, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। अब तक मैंने 66 लाख की किताबें अपनी तरफ से कुछ दोस्तों ने आनंद की थी, थोड़ी बहुत वो छुपा कर जो है ना तकसीम कर चुका हूँ। कुछ मैं उनमें 80% गिफ्ट होती हैं, बाकी कुछ फंक्शन होते हैं मेरे पाकिस्तान लेवल पर, कुछ पैसे उनके आ भी जाते हैं।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। गफूर गफारी अराई साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि खास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इनका मैसेज है कि माली मुआवनत थोड़ी सी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जो छपवा के मार्केट में दे सकें। मोस्टली ये जो किताबें हैं दोस्तों को देते हैं, कुछ इनको डोनेशंस के भी मिल जाती हैं, कुछ जो है ना 20% जो है ना ये मार्केट से भी इनको पैसे आ जाते हैं, इसी तरह इनका गुजारा जो है ना वो हो रहा है। और ऐसे जैसे लोगों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इन प्रोफेसर साहब को अपनी कस्टडी में लें और इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर साहब आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ख़ास तौर पे ये कुरान पाक पे बहुत अच्छी किताबें लिख के कुरान पाक अहदीस की रोशनी में ये सारी चीज़ें लिख के देंगे जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर हमारे खान साहब का जिस तरह विजन है रियासत मदीना बनाने का, तो इन जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, आप इनको शामिल करें, इंशाल्लाह ताला रियासत मदीना जो है ना वो बन जाएगी। कैमरामैन साजद अली साजद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।